चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा शुक्रवार 18 सितंबर शाम 6 बजे गौग्रास का कार्यक्रम किया गया, जिसके अंतर्गत मोहनजी पंचाल की दुकान से सभी भाजपा सागवाड़ा नगर मंडल के पदाधिकारियों ने स्कूटी पर गौ माता को ढूंढ कर हरा चारा खिलाया। इस अवसर पर हेमंत दादा पाठक, दिलीप कलाल, श्याम भट्ट, नाना लाल दर्जी, शैलेश पंड्या, निखिल सोमपुरा, यशवंत गवारिया, शेख राजू भाई बर्तनवाला, भूपेश दर्जी, हसमुख पटेल एवं हिरण्य भट्ट उपस्थित रहे। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 70वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज चौथे दिन 14 तारीख से लगातार पूरा सेवा सप्ताह के रूप में को मना रहे हैं और इसको मंडल के सभी कार्यकर्ता एवं मोर्चों के सभी पदाधिकारी मना रहे हैं। इसमें सभी मोर्चे के कार्यकर्ता और सभी सक्रिय कार्यकर्ता इसमें भाग ले रहे हैं। यहाँ मेरे साथ सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं, हमारे नगर अध्यक्ष भाई श्याम भाई हैं, नाना लाल जी जोशी हैं, हमारे युवा मोर्चा के शैलेश भाई हैं, ओबीसी मोर्चा के भाई दिलीप भाई हैं, सभी मोर्चों के एससी मोर्चा के भाई यशवंत भाई हैं। ये सभी आज ग्रोकास्ट और पक्षियों के लिए दाने के लिए आज प्रदेश से तय हुआ है। इस कार्यक्रम हेतु यहाँ से सभी कार्यकर्ताओं को एक रैली के रूप में हरी झंडी बताकर रवाना कर रहे हैं और आज ग्रोकास्ट वितरित करके प्रधानमंत्री जी के सेवा सप्ताह को मना रहे हैं। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पब्लिक में ये संदेश देना चाहता हूँ कि मोदी जी का जन्मदिन हम बड़े सादगी से और सहज रूप से मना रहे हैं और एक सेवा के रूप में मना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आपके 8 सेवा सप्ताह के 8 दिवस के कार्यक्रम के बारे में जानकारी बताइए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी साहब का जो जन्मदिन मनाया है उसको हमारे भारतीय जनता पार्टी के सेंटर लेवल ने तय किया है कि इस सेवा सप्ताह को आम जनता तक पहुंचाना है और आम जनता की राहत प्रदान करनी है और 14 तारीख से 20 तारीख तक का कंप्लीट जो शेड्यूल बनाया हुआ था उसके तहत लोगों ने कार्यकर्ताओं ने मतलब कार्य किए, जिसमें वृक्षारोपण किया है, उसके बाद ब्लड डोनेट किया हुआ है। आज घास गो घास के लिए दिन तय किया गया था, उसके लिए हम लोग सभी हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शी हेमंत दादा पाठक के मार्गदर्शन में हम लोग ये गो घास वितरण करने जा रहे हैं, जिनमें हम ये आशा करते हैं कि नरेंद्र जी मोदी साहब की उम्र लंबी होवे और उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय संगठन और केंद्रीय संगठन और राजस्थान के संगठन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्देशानुसार जिला संगठन के आदेशानुसार नरेंद्र मोदी जी के 17 तारीख को जो उनका जन्मदिन था उसका 14 से 20 के बीच में सेवा सप्ताह मनाने का जो कार्यक्रम रखा था उसके अंतर्गत पहले दिन मोदी जी की कृतियाँ और उनके विषय में जानकारी सोशल साइट पर हमें डालनी थी। 15 तारीख का हमारा ये प्रोग्राम था कि सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करें और वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमने रखा था जो हमारा कामयाब रहा। 16 तारीख को हमने यहाँ सागवाड़ा नगर में हॉस्पिटल में गरीबों और पेशेंटों को फल वितरण किए। 17 तारीख को हमारा प्रोग्राम जिला मुख्यालय पर ब्लड डोनेशन का था, जहाँ हमारे युवाओं ने वहाँ जाकर ब्लड डोनेट किया और बहुत नया उदाहरण पेश किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा प्रकल्पों में मोदी जी की सादगी जो बनी हुई है सेवा के माध्यम से हम मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। इसके अलावा हमने मोदी जी के इस कार्यक्रम में जगह जगह मोदी जी को शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए होर्डिंग लगाए। होर्डिंग के माध्यम से युवा मोर्चा, नगर मंडल, वरिष्ठों, एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ओबीसी मोर्चा ने कल
प्रधानमंत्री जी मोदी जी के लिए शुभकामना के लिए गमरेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगी। आज का हमारा कार्यक्रम पक्षियों के लिए दाना, मछलियों के लिए आटा की गोलियां और गौ माता के लिए घास, ये प्रबंध किया और ये इस कार्यक्रम की पूर्णावति कर रहे हैं। कल का हमारा कार्यक्रम रहेगा मंदिरों में पूजा अर्चना और भजन मंडली, और अंतिम में 20 तारीख को हमारा कार्यक्रम रहेगा नगर के बूथों में स्वच्छता अभियान। इस तरह से मोदी जी का यह जन्मदिन दिवस बड़ी ही सादगी से और सेवा भाव से लोगों के आम मानव जीवन के कल्याण के लिए मनाने जा रहे हैं। धन्यवाद।